तरह छोटी छोटी क्रांति रूपी चिंगारी मिलकर विशाल अग्नि रूपी आंदोलन का रूप ले लेती है। ऐसे अनेक आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें उन्हें जानने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे ही हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू, स्वतंत्रता सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने लोगों का नेतृत्व कर क्षेत्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, जो हमारे लिए गौरव की बात है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर ग्राम की, जहां अंग्रेजों के शासनकाल में स्थानीय लोगों ने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई व भारत छोड़ो आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसकी एक संक्षिप्त झलक नाटक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। 1930 यह क्या गंजन सिंह कोरकू जी की कर दी गई हत्या, जो कि महज बंजारी ढाल पर अंग्रेजों को उजागर करने के लिए काट दिए तो उन्होंने कुछ पेड़। वहीं गंजन सिंह कोरकू जी की धर्मपत्नी ने बंजारी ढाल एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आदिवासी महिलाओं को आंदोलन करने के लिए संगठित किया। सुनो सुनो सुनो, बोल रहे हैं हम अतीत के पन्नों में दफन कहानी से बोल रहे हैं हम। बात कुछ 1942 के पास की है। जाने क्या है आज रानीपुर गांव में मच रही कुछ हलचल, लोगों में आक्रोश सा फैला है। लोगों में आक्रोश सा फैला है जंगल कानून के लिए। लोगों में आक्रोश सा फैला है। लगता है कोई सभा होने वाली है जंगलों के बीच। यह क्या, यहाँ आयोजित हो रही है सभा? ये दीपचंद गोठी जी के नेतृत्व में उनका सहयोग करते हुए लोग घास काटकर जंगल कानून तोड़ रहे हैं। और वो भी क्यों ना, आखिर जंगल तो आदिवासियों का ही है। लो आ गई सुसज्जित सेना, हाथ में बंदूक लिए लोगों को डराते धमकाते और कानून ना तोड़ने का मशवरा देते। हो गए जगह जगह सिपाही खड़े, लेकिन क्रांति का जुनून लिए हुए लोग कहाँ मानने वाले थे। सिपाही से हुई झड़प और हो गई गिरफ्तारी। इधर आंदोलनकारियों के एक समूह ने घोड़ा डोंगरी पास डिपो में आग लगाकर व ट्रेन की पटरी उखाड़कर विद्रोह का परिचय दिया। बावीस अगस्त 1942 को स्वतंत्रता सेनानी
विष्णु सिंह गोंड के नेतृत्व में करीब 300 आंदोलनकारियों ने रानीपुर थाने पर हमला किया। आंदोलनकारियों ने थाने की खिड़कियों और दरवाजों व खंभों पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। वह कुछ लोगों ने थाने के पिछले हिस्से में आग भी लगा दी, जिससे अंग्रेजों को थाना छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। ये बड़ी सी कथा की संक्षिप्त और लघु प्रस्तुति थी आप लोगों के समक्ष आरडी पब्लिक स्कूल से। थैंक यू। जोरदार तालियां बच्चों के सम्मान में हो जाए। और मैं दो पंक्तियों से इन शहीदों को नमन करता हूँ। देश की खातिर जान लुटा दी, जीत लिया संग्राम, अमर वीरों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बोलिए भारत माता की जय। और अब